जय श्री कृष्णा, जय सियाराम। कली हनुमानी, हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं, अध्याय 8, लिंग कुंजी, भाग 1। कुछ क्षण के चिंतन के पश्चात लगभग सभी मातंग अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। वे इस विषय पर अटकलें लगाने के लिए तैयार थे कि अनीता की आत्मा दुखों के जीवन में क्यों फंसी हुई थी और देवताओं को उसे एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित करने के लिए क्या करना चाहिए। अपना श्वास चक्र पूरा करने के पश्चात हनुमान जी एक बार फिर प्रकट हो गए थे। उन्होंने एक दृष्टि उर्वा पर डाली जो अपने आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था। तत्पश्चात उन्होंने अनीता के विषय पर उर्मी के विचार जानने चाहे। उर्मी ने क्षमा प्रार्थी होकर कहा, देव, मैंने विचारों का जंगल छान मारा परंतु कोई निष्कर्ष हाथ नहीं लगा। कई बार मेरे मन ने विचारों की ऊन से स्पष्टता का वस्त्र बुना परंतु भ्रम ने हर बार उसको उधेड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा से जुड़े विषयों पर मन कोई निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं है, इसीलिए मेरे पास आपको बताने के लिए कोई निष्कर्ष नहीं है। आत्मा और मन के बारे में जो कुछ भी मैं पहले से जानती थी वह भी अब मैं भूल गई हूँ। यह तो अच्छी बात है, हनुमान जी बोले। यदि आपके हाथ कुछ ना लग गया हो तो आप उससे अभी बहुत दूर हो जो हाथ नहीं लग गया या जो हाथ नहीं लग सकता और जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। आप शून्य हो और यह बोध आपको तभी हो सकता है जब आप निष्कर्षों को त्याग कर उसकी खोज करो जो सभी निष्कर्षों से परे है। यद्यपि विचारों का मंथन व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे आपको उड़ान भरने के लिए आवश्यक गति प्राप्त होगी। ठीक है, चलो पहले जो साधक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं उनको सुन लिया जाए। कालदंक नामक एक मातंग जिसकी बाईं भ्रुकुटी पर एक गहरा चिन्ह था आत्मविश्वास से खड़ा हुआ और अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए बोला, देव, आपने हमें अनीता नामक किरदार के दो समानांतर जीवनों के दृश्य दिखाए। जीवन एक, उसके घर में कोई छिपा हुआ सोना नहीं है और जीवन दो, उसके भंडार कक्ष की अटारी में एक संदूक रखा है जिसमें सोना छिपा है। उसकी आत्मा जीवन एक से जीवन दो में स्थानांतरित नहीं हो सकती क्योंकि यह संसार के नियमों के विरुद्ध होगा। दोनों जीवन ऐसे संसारों में घटित हो रहे हैं जो कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित हैं। जीवन एक से दूसरे में स्थानांतरित होते ही उसे संदूक उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा होना संसार के सिद्धांत के विरुद्ध होगा और वह स्वयं भी घबरा जाएगी कि संदूक कहाँ से आया। मुझे लगता है कि देवगण इसी कारण उसकी आत्मा को स्थानांतरित नहीं कर पा। काल दंक का स्वर अंतिम वाक्य तक आते आते क्षीण हो गया और साथ ही क्षीण हुआ उसका आत्मविश्वास। जो निष्कर्ष उसके मन में ठोस एवं तार्किक लग रहा था वह बाहर प्रकट करते ही पिघल गया। उसे स्वयं ही अपने तर्क में एक अंतर्निहित त्रुटि होने का भान हुआ। परंतु जीवन दो में संदूक के साथ साथ संदूक की स्मृतियां भी तो उपस्थित है। कालदंक हनुमान जी की कृपा से स्वयं ही अपने तर्क की त्रुटि को ठीक करते हुए बोला, और स्मृतियां भी हल्की नहीं, बहुत गाढ़ी। जीवन दो के अनीता नामक किरदार के मस्तिष्क में यह स्मृति उपस्थित है कि संदूक को उसके पति के चाचा के घर से उठाकर उसके घर में लाया गया था। उसे उसके पति का संदूक के विषय में की गई ठिठोलियों भी स्मरण है। उसे संदूक का गिरना और क्षतिग्रस्त होना भी स्मरण है। पर कैसे देव, यह सब बहुत ही जटिल है। मेरा अर्थ है, जब उसकी आत्मा जीवन एक से जीवन दो में कूदेगी तो क्या वह जीवन एक की स्मृतियां जीवन दो में अपने साथ लाएगी? क्या अनीता को यह स्मरण रहेगा कि कूदने से पहले उसके जीवन में कोई संदूक नहीं था और अब न केवल संदूक कहीं से प्रकट हो गया है अपितु उससे जुड़ी स्मृतियां भी प्रकट हो गई हैं। आपने सही कहा, स्मृति किरदार के मन में भीतर
संग्रहित होती है, आत्मा के भीतर नहीं। हनुमान जी बोले, जीवन दो में अनीता नामक किरदार की जो स्मृतियां हैं, वे जीवन एक वाली अनीता की स्मृतियों से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इसीलिए जब अनीता की आत्मा जीवन एक को छोड़ देती है तो जीवन एक की स्मृतियां भी वहीं छोड़ देती हैं। फिर जब उसकी आत्मा जीवन दो में प्रवेश करती है तो जीवन दो की स्मृतियों को धारण कर लेती है। उर्मी के मन में एक विचार आया जो उसने तुरंत व्यक्त किया। देवताओं द्वारा की गई सहायता से भक्त जन प्रायः अनजान रहते हैं, है ना देव? जब आप अनीता की आत्मा को सफलतापूर्वक जीवन दो में भेज दोगे तब वह इसे चमत्कार नहीं मानेगी। जीवन दो की स्मृतियों के कारण वह सोचेगी कि संदूक तो वर्षों से उसकी अटारी में था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वह छिपे हुए सोने को पाने के पश्चात अपने पति के पूर्वजों को धन्यवाद करेगी, आपका नहीं। हनुमान जी बोले, अनीता दो मात्र एक किरदार है जो पहले ही लिखा जा चुका है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अनीता दो या कोई भी नश्वर किरदार क्या सोचता है और क्या स्मरण रखता है। देवताओं का कार्य आत्माओं का कल्याण करना है। उर्वा का सबसे अच्छा मित्र घनुष्क अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ और बोला, देव, अनीता जिस चमकते खिलौने के साथ खेल रही थी, मुझे उसमें समाधान दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वह खिलौना उसे उसकी कठोर वास्तविकता को भूलने में सहायता करता है। कदाचित वह खिलौना एक सपने की तरह काम करता है। मैंने देवताओं के वे किस्से सुने हैं जिनमें वे आत्मा की स्वप्न यात्रा में कुछ परिवर्तन करके आत्मा की मानव लोक की समस्याओं का समाधान करते हैं। मुझे लगता है वह खिलौना नहीं है। उर्वा दांत पीसते हुए गरजा। घनुष्क चौंका, उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली अचानक एक राक्षसी शेर में बदल गई हो। उसने उर्वा को इस तरह से चिल्लाते हुए कभी नहीं देखा था। बाबा को उर्वा के शब्द संकट की घंटी की तरह सुनाई दिए। वे खड़े हुए और हनुमान जी से निवेदन किया, देव, क्या आप उर्वा की कोई परीक्षा ले रहे हैं? और यदि हाँ तो वह पूरी तरह से विफल हो रहा है। असुर जल्दी ही उसके तन मन पर नियंत्रण करके इस पवित्र पूजा को अपवित्र कर सकते हैं। उसे सहायता की आवश्यकता है। कृपया, उर्वा की सिसकियां छूट गईं। उसके मन को यह स्वीकार करते हुए अच्छा लग रहा था कि उसे सहायता की आवश्यकता थी। वह अब उन राक्षसों से स्वयं नहीं लड़ सकता था जो बचपन से उसे सता रहे थे। उसने बाबा को अपने सभी बुरे सपने बताए थे सिवाय इसके जो उसे इस समय सता रहा था, चमकदार खिलौनों का बुरा सपना। हनुमान जी ने बाबा के साथ आपसी समझ से भरी दृष्टि का आदान प्रदान करते हुए कहा, बचपन से ही उर्वा मुख्य धारा के समाज के कुछ दृश्यों में प्रवेश करता आ रहा है। अच्छा, वे बुरे सपने जिनके बारे में किसी को बताना भी निषिद्ध है, मैं उनके बारे में पूरी तरह से भूल गया था, बाबा बुदबुदाए। सभा में जिज्ञासा अचानक तीव्र हो गई और उर्मी के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हुई। मुख्य धारा के समाज के दृश्य उर्वा के लिए बुरा सपना क्यों है देव? और हमें उन दृश्यों के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं है? यदि आपकी आत्मा अभी मुख्य धारा के समाज के दृश्यों में प्रवेश कर जाए तो क्या मेरी सहायता के बिना वहां से बाहर आ पाएगी? हनुमान जी ने प्रति प्रश्न किया और तत्पश्चात स्वयं ही उसका उत्तर दिया। वहां पर भ्रम का जाल इतना जटिल है कि जागी हुई आत्माएं भी कई बार उसमें फंस जाती हैं, और यदि कोई आत्मा तनिक भी जागृत है तो उसके लिए वहां के दृश्य जीना दुःस्वप्न से कम नहीं है। वे दृश्य नहीं, भ्रम का दलदल है जो आपको उतना ही अधिक फंसाता चला जाता है जितनी अधिक उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो क्या हम उन दृश्यों में कभी भूल कर भी हमें वहां नहीं जाना चाहिए? उर्मी ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, जाना चाहिए और आप जाओगे भी, पहले मेरी सहायता से और उसके उपरांत बिना सहायता के। परंतु उनके बारे में आप एक दूसरे के साथ तब तक चर्चा नहीं करोगे
जब तक कि मैं आपको पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं कर देता। पूर्वा बचपन से ही उन दृश्यों को देखता आ रहा है, क्योंकि बाबा के उत्तराधिकार के रूप में उसे एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वह नियमित रूप से बाहरी समाज की आकर्षक वस्तुओं और चुनौतीपूर्ण स्थितियों से भरे दृश्यों को देख रहा है। वह विशेष रूप से उस चमकदार यंत्र के प्रति आशंकित है जो अनीता के हाथ में था। वह यंत्र आत्मा पर भ्रम की एक अतिरिक्त चादर डालता है। मानवता भ्रम की नई नई परतों का निर्माण करती जा रही है। बाबा की आंखें चमक उठीं। उनके मस्तिष्क में वे वस्तुएं तैर रही थीं जो उनके समय में मुख्य धारा के समाज में लोकप्रिय थी। अनीता के हाथ में जो चमकदार खिलौना था वह इस समय का आकर्षण था, और बाबा की स्मृतियों में तैर रही वस्तुएं उस समय का आकर्षण। बाबा को भी कड़ाई से प्रशिक्षित किया गया था। उसी प्रशिक्षण की सहायता से वे स्वयं को ही नहीं अपितु सभी मातंग आत्माओं को शक्तिशाली भ्रम जालों से बचाते आ रहे थे। अब उर्वा की बारी थी वे प्रशिक्षण पूरा करके मातंग मुखिया के रूप में उत्तरदायित्व संभालने की। इस पीढ़ी की सबसे श्रेष्ठ मातंग शिष्यों में से एक उर्मी भी थी। वह अनीता के जीवन के उन दृश्यों को उन्हें स्मरण करने की चेष्टा कर रही थी जो उसने अन्य मातंगों के साथ कुछ क्षण पहले देखे थे। उसे पछतावा था कि उन दृश्यों को देखते समय उसने चमकदार खिलौने पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। उसने पूछा, देव, क्या हम सभी को उस खिलौने के बारे में आशंकित होना चाहिए? हनुमान जी ने चेताया, आपको वस्तुओं से नहीं अपितु उनके बारे में तुच्छ और सीमित जिज्ञासा से दूर रहना चाहिए। सीमित जिज्ञासा आपको भ्रम जाल में डालती है और वहीं फंसाए रखती है। यदि किसी वस्तु के बारे में आपकी जिज्ञासा असीम है तो कोई अंतर नहीं पड़ता कि वस्तु क्या है, वह आपको परम सत्य की ओर ले जाती है। एक गुरु अपने शिष्यों को परम सत्य के दर्शन कराने के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग कर सकता है, और एक योगी किसी भी वस्तु को परम स्वतंत्रता के द्वार के रूप में उपयोग कर सकता है। अभी मैं उस चमकदार वस्तु का उपयोग आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए करने जा रहा हूँ। चलो मैं पहले आपको मुख्य धारा के समाज के कुछ दृश्य दिखलाता हूँ। सभी ने तुरंत आंखें बंद कर लीं।